देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां जनपद में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते थाना सिकंदराबाद पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जो बड़ी ही चालाकी से एटीएम बदलकर उनका पासवर्ड देखकर एटीएम मशीन से पैसा निकालने की घटना को अंजाम देते थे। ये थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें सेम मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हुए कुछ लोग जो कि एटीएम पे जाते थे, खास करके बूढ़े बुजुर्ग या बाहर के लोगों को टारगेट करते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये वहां जाकर उनको बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल देते थे और उनका पिन देख लेते थे और उसके बाद फिर किसी और स्थान पर जाकर उस एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेते थे। इन मुकदमों के अनावरण के लिए सिकंदराबाद थाने की टीम लगाई गई थी, जिसके द्वारा आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से निकाले गए पैसों में से कुल 1,13,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 3 मोबाइल फ़ोन जो कि इन्होंने इस अवैध जो अर्जित धन था उससे इन्होंने ख़रीदा था वो बरामद किया गया। एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद की गई है, साथ ही साथ 35 एटीएम कार्ड जो कि इन्होंने विभिन्न घटनाओं में या तो प्रयोग किया या फिर छलपूर्वक ले लिया वो बरामद किया है। पूछताछ पे इन्होंने ये बताया कि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था। ये सभी के सभी एटीएम कार्ड्स जो बरामद हैं इनके मालिकों से हम लोग संपर्क साध रहे हैं और अन्य प्रदेशों में जो मुकदमे दर्ज हैं उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है। इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये अभी पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनमें से एक व्यक्ति बीटेक कर रखा है, इसने राजस्थान से बीटेक किया था और उसने अपने अन्य साथियों को जोड़ करके ये घटनाएं कारित करना शुरू किया। ये मेनली टूरिस्ट को या फिर ऐसे लोग जो कि हड़बड़ी में एटीएम पे जा रहे हैं या वृद्ध जन, इनको टारगेट करते थे और उनका फिर एटीएम ये स्वैप कर देते थे। पूछताछ में अभी जो बातें मालूम चली हैं ये 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं, इनके कुछ अन्य साथी भी हैं। 3 लोगों का और नाम आया है जिन पे हमारी टीमें काम कर रही हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए टीटीएन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।